अरे ये आपका अपना ही इलाका है, आ जाओ, यहाँ आप मेहमान नहीं हो। किशोर जी, कौशिक जी, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर धनंजय जी, प्लीज आगे आ जाइए। सुभाष जी, आम आदमी पार्टी सेक्रेटरी सुभाष जी, कौशिक जी, बहुत कम समय में बहुत जल्दी जल्दी ये कार्यक्रम का बिल्कुल से अचानक से आयोजन हुआ है। कल सुबह कंफर्मेशन आया और तुरंत हम लोगों ने कोशिश किया कि अगर अतिशी जी मुंबई आ रहे हैं तो मुंबई में बिना सुने बिना जाने हम उनको नहीं जाने देंगे। आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है सरकार की, वो है शिक्षा के क्षेत्र में और हॉस्पिटल में, मोहल्ला क्लिनिक, एजुकेशन के क्षेत्र में जो काम हुआ है दिल्ली में, शायद ही आज तक किसी का वैसा विजन रहा हो और किसी ने इस तरह से सोचा हो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हालत भी सुधर सकती है। हमने यहाँ पे मुंबई में देखा है हमारे बीएमसी के स्कूल्स कैसे होते हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बीएमसी के स्कूल्स किस तरह बदल सकते हैं, लेकिन दिल्ली में वो क्रांति हुई है और वो क्रांति करने वालों में हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के साथ में योगदान करने वाली अतिशी जी का मुंबई में पूरे दिल से स्वागत है। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक वॉलंटियर मैम सिर्फ सुनने के लिए आया है आपके मुंह से कि क्या आप कहने वाले हो। उसके पहले मैं बता दूं, हमारे महाराष्ट्र के कन्वीनर अतिशी मैम आप जानते होंगे, सुधीर ब्रिगेडियर सुधीर सावंत। हम लोग ब्रिगेडियर शब्द पे ज्यादा वजन डालते हैं कि हमारे पास भी एक नेशनलिस्ट है ब्रिगेडियर। सुभाष कंवर, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र सेक्रेटरी, हमारे धनंजय शिंदे जी और हमारे कौशिक जी महाराष्ट्र एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, इन सब की तरफ से, आम आदमी पार्टी मुंबई के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से मैम आपका स्वागत है। और क्योंकि आपको सुनना है, मैं सिर्फ आपको सुनने के लिए आए हैं, तो पहले मैं हमारी महिला विंग को कहूंगी, महिला विंग की प्रेसिडेंट सुमित्रा जी, सेक्रेटरी लक्ष्मी जी, वाइस प्रेसिडेंट अमृता मैडम, महिला नेता आई है तो पहला अधिकार महिलाओं का ही रहेगा। मैडम, जसपाल जी, जसपाल जी, नीता मैडम प्लीज कम, सारे महिला वॉलेंटियर्स क्रांतिकारियों आ जाओ आगे, आज आपका दिन है। प्रभा मैडम, अरे जाने दो। अतिशी मैम, ये सब एक से बढ़ के एक फाइटर्स है, और महाराष्ट्र में भी ये मुंबई है। हाँ, अब मैं सुधीर जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अतिशी जी का स्वागत करिए और अपनी बात रखिए। अतिशी जी, मैं वेलकम यू। आज ये सारे हमारे वॉलंटियर्स यहाँ देख रहे हैं और पिछले तीन चार महीने से मैं हम लोग काम कर रहे हैं। आज मुंबई को रिजुवेनेट करने का काम इन्होंने सालों में किया है, इसलिए मैं शुरुआत में वॉलंटियर सभी का स्वागत करता हूँ।
आपको मुबारक देता हूँ। हमारा मेन मकसद इलेक्शन जीतना है, ये मैं आज दोबारा बताना चाहता हूँ। ये बहुत सारा बातचीत होता है, अलग अलग जगह अलग अलग घटनाएं होती है, एक दूसरे में कभी कभी झगड़ा भी होता है, प्यार मोहब्बत भी होती है, पर अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव और आईएम हमारा क्या है, ये हमारा पहला मकसद है कि हमको मुंबई से 6 के 6 सीट जीतना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुंबई में ऐसा होता है या तो आप सब सीट जीतते हैं या आप सब सीट हारते हैं, ये इतिहास मुंबई का है और इसलिए हम लोगों को वातावरण बनाना है। और आज अतिशि जी इधर आए हैं, मैं सोचता हूँ कि ये भावी सांसद ही है, मतलब ये चुन के आएंगे कि दिल्ली का ऐसा काम हुआ है कि मैं भी सोचता हूँ, मैं हैरान होता हूँ कि मैं मुफस्सिल एरिया में जाता हूँ, गांव गांव में जाता हूँ, उधर सभी लोग को पता है कि आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है। इसलिए मैं बोलता दिल्ली टू गली हमारा अभी मिशन है, ये सारा जो आपने किया है अतिशी जी वो महाराष्ट्र में कैसा आएगा ये हम लोग को देखना है। और इस एंगल से इस उद्देश्य से हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं, आपका स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी होती है। कि मैं तो बोला था आप आ रहे तो हम पब्लिक मीटिंग रखते हैं, कल घुमू जी को बोला था कहीं तो क्योंकि हम तो आपको जानते ही है लेकिन पब्लिक ने भी जानना चाहिए, ये उसके पीछे मकसद था। और आपके इलेक्शन में और आपके काम में मुंबई का कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, वो आपके साथ रहेंगे। आप अभी अक्षय मराठे भी आए हैं, ये मुंबई का ही है और इसने मुंबई का ऑलरेडी आपको आधा सपोर्ट तो मिल गया और इसको और बढ़ाने के लिए जो भी जरूरत होगी हमें कभी भी बोलना, वी आर विथ यू, वी हैव हाई होप्स फ्रॉम यू दैट यू विल बिकम द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली में आपने बहुत कुछ किया है तो पूरे देश में होना चाहिए ना, सिर्फ दिल्ली में होगा कैसे चलेगा। तो इस मकसद से हम लोग काम करेंगे और आपको जिताने के लिए हमारा जो भी योगदान होगा वो आपको हरदम मिलेगा, ये मैं आपको यहाँ पर आश्वासित करता हूँ। और आपको दोबारा यहाँ हम शुभकामना देता हूँ और हम सारे लोग आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। नहीं, हमने थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ दिया और ब्रिगेडियर को पहले बोलने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उनकी एक और मीटिंग पैनल में चल रही थी, वो छोड़कर आए थे तो लेकिन आप वो रुक रहे हैं, आपको बिना सुने नहीं जाएंगे तो अब आप लास्ट में ही बोलेंगे। और हमारी महिलाओं में से एक दो हमारी महिला विंग की मेंबर्स मैडम कुछ कहना चाहती है प्लीज, जिसको भी कुछ कहना है, अवृता मैडम, नीता मैडम, सुमित्रा, सुमित्रा हमारी मुंबई महिला विंग की प्रेसिडेंट है। आपका स्वागत करते हैं मुंबई में, हम लोगों ने आपको मिशन विस्तार के टाइम बहुत ही साथ साथ में आपसे सब कुछ डिस्कस किया, सब कुछ बताया आपको और आप हमें नेता बना के चले गए मुंबई का। मैं नॉर्थ मुंबई में तब एक डिस्ट्रिक्ट में को कन्वीनर बनाई गई थी, तब से मैं आपको जानती हूँ, बहुत ही साथ आपके बैठ के काम किया हम लोगों ने। और मैं आतिशी जी को हमेशा से अपना एक आइडिया जैसे देखती रही हूँ, जितना काम उन्होंने किया है और विषम परिस्थितियों में, अब अभी कहना चाहिए कि विषम परिस्थितियां जब उनके सामने आई तो मैम का एक नया रूप देखने को मिला, वही जुझारूपन वही शक्ति हमें उनसे मिली देखने को। और मैं इसके लिए आपका आपको बधाई देती हूँ और देखिए भावी सांसद के रूप में हम आपको देख ही रहे हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम अस, थैंक यू।
अब हम हमारे मुंबई के अक्षय मराठे से, जिसको हमने अपने सामने छोटे बच्चे से लीडर बनते हुए देखा है, और हमें इस बात की खुशी है कि वो अतिशी के उसमें कस्टडी में लीडर बने हैं, तो जरूर बहुत अच्छे लीडर बन के निकलेंगे। तो अब अक्षय से रिक्वेस्ट है कि आप बात रखिए। मुंबई से बहुत योगदान है, भी है। थैंक यू कुमार जी, जैसे पता नहीं मैं तो उनके साथ ही आया हूँ, लीडर तो वो है, मैं तो बस साथ साथ आया हूँ। नहीं आप बनोगे। अभी तो ब्रिगेडियर सर ने तो बोल ही दिया कि आतिशी जी को जिताना है, लेकिन क्यों जिताना है इस पे मैं शायद एक दो लाइंस बोलना चाहता हूँ। एक तो ये कि 2013-15 के इलेक्शंस में हमारा मैसेज ये होता था कि हमें क्यों चुनो, क्योंकि हम ईमानदार हैं। सबका सवाल ये होता था, ठीक है आपको चुन लिया, आप ईमानदार हो, तो क्या आगे क्या? ईमानदार तो बहुत लोग होते हैं, सारे ईमानदार लोग को चुन के भेजना तो कोई सोल्यूशन है नहीं। तो ईमानदारी के बाद आम आदमी पार्टी का नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, ये मेरे हिसाब से आपके मन में भी होगा, शायद मेरे मन में भी था एक सवाल था कि हु आर वी आर ऑनेस्ट, वी आर गुड पीपल, वी आर डिसेंट पीपल, वी हैव चोजन टू लीड लाइव्स अवे फ्रॉम आर जो हम रेगुलर प्रोफेशन में थे, वो छोड़ छाड़ के सब आए लेकिन उसके बाद क्या, ये एक सवाल था मन में। और मेरे हिसाब से जो काम मनीष जी, आतिशी और अरविंद जी के नेतृत्व में हम सब इन्होंने मिलकर किया है, वो काम इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं दे रहा है कि वाई आम आदमी पार्टी, बिकॉज ओनली ऑनेस्टी इज समथिंग दैट इज अ बेयर मिनिमम, मतलब वो तो हम सब में होनी ही चाहिए, लेकिन उसके बियॉन्ड जाके हम लोगों के लिए क्या अल्टरनेटिव देना चाहते हैं। आज अगर ऑपोजिशन के नैरेटिव में कोई कमी है तो वो ये है कि वो कहते हैं कि हम मोदी नहीं है इसलिए हमें वोट दे, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट देना है क्योंकि हम एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे बुनियादी मुद्दों पे काम करने के लिए आए, और वो हमने 3 साल में करके भी दिखाया। तो अगर इस मुद्दे को हमें आम आदमी पार्टी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जोड़ना है, तो हमें उस इंसान को पार्लियामेंट में भेजना पड़ेगा जो उस पूरे प्रोसेस की आर्किटेक्ट रही है एक तरीके से। That's when we will be able to connect to each other. और मैं मुंबई से दिल्ली गया, लेकिन मैं दिल्ली इसीलिए गया कि अगर दिल्ली में एक्सपीरियंस जो हमें हमारा सरकार का है एजुकेशन में हो, तो वो पूरे देश में सबको फायदा हो। इसलिए आप देखोगे तो दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं जैसे मुंबई छोड़ के दिल्ली गया हूँ। तो अगर हम दिल्ली का मॉडल मजबूत करें, जैसे आप सरकार तो है ही, लेकिन अगर हम एजुकेशन के दम पे एक इलेक्शन जीत के दिखा दें, तो आम आदमी पार्टी में पूरे देश के यूनिट्स में इसके वजह से एक नया मॉडल मिलेगा पॉलिटिक्स का, कि हम एजुकेशन को मुद्दा बना के गली गली जाके मोहल्ले मोहल्ले में जाके इसको एक इशू बना के वोट जीत सकते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे कैंडिडेट के लिए इकट्ठा हो, वी पुल इन ऑल आवर रिसोर्सेज एंड support Atishi's campaign and let's send a voice of education to parliament this time. And I think now let's hear from the horse's mouth. धीरे धीरे लोगों के हाथ उठने लगे, लेकिन एक एक मिनट बस सुरेश जी, क्योंकि ये हमारे ट्रेजरर है, पैसा लाते तो हम इनको नाराज नहीं कर सकते। भारत माता की इन अतिशी के साथ में हमने काम किया मिशन विस्तार में, और उस समय भी वैसे ही है, अभी भी वैसे ही है, लेकिन एक फर्क दिख रहा है जी, इतना प्रेशर में इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके भी आपका फेस में जो ग्लो है ना, वो उस टाइम पे जाना है, इसका राज हमें बताइएगा जाने से पहले। लेकिन फर्स्ट इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन हो, जो भी है, मुंबई का वॉलंटियर्स का काफी बड़ा योगदान है। आपको ऐसा लीडर हमने दिया है, वैभव है। सो इस टाइम में शायद दिल्ली का बच्चे
का उम्मीद जो है वो शायद काफी हद तक हमने उम्मीद में अचीव किया है ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन ये जो है पूरा देश का बच्चे का जो उम्मीद है उसमें उतरने में आप हमें लीड कीजिए। हम एज ए सेवक बन के आपका का जो सोच है जो आपका लक्ष्य है वो कामयाब होने में अगर हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं तो हमारा भाग्य समझते हैं, क्योंकि सरस्वती एजुकेशन एक ऐसा चीज है वो हमारा दिल का मतलब सबका दिल का करीब है। वो कमर्शियलाइज बनता जा रहा आपको तो सब लोग को पता ही है। और इस मिशन में आपको मुंबई के तरफ से और वॉलंटियर सबके तन मन धन से हम लोग पहले जो मेहनत किया उससे डबल मेहनत करके आपको पार्लियामेंट भेजना चाहिए। और हम लोग मिशन लेते हैं आज अतिशी जैसा लोग पार्लियामेंट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके लिए वो भावी मंत्री बोल के उनको खुश करने से शायद नहीं होगा। हमको यहाँ से 100-100 वॉलंटियर्स को पहले जैसा लिखे गए तो महेश भाई भावेश भाई सब लोग रवि सब लोग हमें एक मिशन लेना पड़ेगा ऐसा लोग पार्लियामेंट में रहने से हमारा देश का भविष्य और बच्चे का भविष्य मजबूत होगा, होगा कि नहीं? तो इसलिए हमें सब एकजुट होके हम काम करेंगे, दिल्ली जाएंगे वापस, ठंडी हो कोई भी है मतलब नहीं मैं बिना रेस का 2 महीना निकाला उधर इस बार भी आएंगे, इस बार भी हम लोग वहां पे मेहनत करेंगे काम करेंगे। और अतिश जी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, भगवान हमारा साथ है, सत्यमेव जयते, भारत माता की जय, इंकलाब लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। महेश सीवाइस के हमारे सेक्रेटरी महेश सामंत, थैंक यू गुमन जी, आपके फैन थे इसके Right. It is a great pleasure to be here in her presence, Atishi ji's presence. पढ़ा तो बहुत कुछ था आपके बारे में आज मुझे आज मालूम पड़ा कि अतिशि जी विल बी रनिंग फॉर इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट, सो द एंटायर सीवाइस महाराष्ट्र टीम विल सपोर्ट हर फॉर दिस एंड वी ऑल विल कम ऑन जस्ट वन मैसेज, द एंटायर सीवाइस विल कम देयर, दैट इज माय वर्ड हियर एंड मी माई सेल्फ विल बी देयर 15 डेज प्रायर। So again, thank you for giving me the honor to stand here and talk in your presence. Thank you very much, and it's a great pleasure again. Thank you. मैं भी भावेश भाई को request करता हूँ कि please. Please. सदानंद पवार जी स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर प्लीज आगे आ जाइए। भावेश भाई सिर्फ एक बात बोलता हूँ, बहुत वर्षों पहले चाणक्य जी ने कहा था निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में पलता है और एक शिक्षा के क्षेत्र में हमने नई राह दिखाई है जो नवे भारत का निर्माण की ओर बढ़ते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। और किसी को कुछ बोलना है कि अब बस सुनना है, प्लीज जिसको भी बोलना है आ जाइए प्लीज। नमस्कार, आम आदमी पार्टी की तरफ से मैडम का आपका शुक्रिया, आप हमारे मुंबई के लिए आए हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं खुद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एजुकेशन किया हूँ, उस टाइम की स्कूल आरटी के स्कूल में बहुत फर्क है,
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस मुंबई में काम चालू है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, कारण भाई स्कूल्स बंद हो रहे हैं, स्कूल परसों बंद हो गए। तो हमें आपसे आने वाले बच्चों के लिए और दिल्ली जैसा बेहतर काम करने के लिए आपसे मार्गदर्शन चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। और कोई? श्याम जी, नहीं मेरे सवाल ही है, शायद वो ताई उस सवालों के जवाब अपने बयान में शायद कर देंगे। आई एम मेंबर ऑफ ऑल इंडिया फोरम फॉर एक्टिव एजुकेशन नेशनल एग्जीक्यूटिव, यू नो अंसारी संतगोपाल, आई एम वर्किंग विद 10 ईयर हरगोपाल एंड अनिल संतगोपाल। सो हम लोगों ने बहुत सारा देखने की कोशिश की है, इंतजार है कि नीतिगत, क्योंकि शिक्षा है तो कंकरेंट लिस्ट में रबर है, 1976 है, तो क्या इतना बड़ा ताकतवर सरकार होने के बावजूद क्या नीतिगत बदलाव दिल्ली में करने के क्या क्या कदम है, अगर हुआ है तो कौन कौन से चैलेंजेस आए, ये सवाल है, और अगर नहीं कर पाए तो क्या ताकतवर सरकार ने हमारे सामने क्या दिक्कत रखी है, बस ये सवाल, और मैं आपके जवाब से मेरा लॉजिकल आंसर आपसे मांगता हूँ। धन्यवाद। श्याम ने इतना थोड़ा बोला, ये मुंबई वालों के लिए बहुत आश्चर्य की बात है। वो सुनना चाहते हैं, कोई आज से सुनना चाहते हैं। धन्यवाद वंदे मातरम साथियों, ज्यादा नहीं बोलूंगा, यही कहना चाहता हूँ कि जैसा ब्रिगेडियर साहब ने बोला, हमारा लक्ष्य इलेक्शन लड़ना होना चाहिए और इलेक्शन जीतना होना चाहिए, बट विद माय एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 3-4 इयर्स विद आम आदमी पार्टी, व्हाट आई कैन सी, मीटिंग ज्यादा हो रही है, बट वी शुड ट्राई टू गो टू द फील्ड नाउ, जाए गाँव में, लोगों में, गली मोहल्लों में मिले, और जैसा मैंने लास्ट टाइम परमिशन ली पुलिस की, तो अगर 4 आदमी से या 5 आदमी से कम है, वी डोंट रिक्वायर पुलिस परमिशन ऑल्सो और इंटीमेशन, वी कैन जस्ट गो डायरेक्टली, तो व्हेन यू आर फ्री इन द इवनिंग, दिस आवर कैप इज अ गुड ट्रेडमार्क, मैं बाहर निकला लोगों ने मेरी फोटो लेना चालू कर दी, तो वी जस्ट गो एंड मीट पीपल, कन्विंस अवर आइडियाज एंड अवर यू नो एम एंड गोल एंड वर्क व्हाट वी हैव डन इन दिल्ली, वी हैव गॉट पैम्फलेट्स ऑल्सो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट, सो प्लीज ट्राई टू वर्क फास्ट नाउ, टाइम इज रनिंग आउट, दैट्स ऑल आई कैन से, थैंक्स। हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर धनंजय भाई, प्लीज। एक्चुअली मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको वेलकम और ऑल द बेस्ट इतना मैं कहना चाहूंगा। अब अतिशी जी को सुनेंगे, लेकिन क्या है उनके बाद में कोई नहीं सुनेगा, तो जिन्होंने ये हॉल हमें आधे रेट में दिया है, क्या नाम है उनका, महेश जी अग्रवाल जी, वो भी हमारे पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर है, तो उन्होंने ये 50% में हॉल दे दिया है, उनका धन्यवाद कर देती हूँ। और इसी के साथ में अब अग्रवाल जी आइए, अग्रवाल जी प्लीज आ जाइए, उम्मीद है अगली बार इसका भी आधा होगा। और बड़ा बड़ा हॉल देखिएगा, हमारे एक और स्टेट मेंबर धनंजय जी आ गए, धनंजय जोगदंड जी, अब इसी के साथ अतिशी मैम हम सब बोलना बंद कर देते हैं और माइक आपके हाथ में, एक बार जोरदार ताली बजा के आतिशि मैम को वेलकम करते हैं। यहाँ स्टेज पे बैठे महाराष्ट्र के स्टेट कमेटी के साथ मेंबर्स और मुंबई के सारे वॉलंटियर्स को मेरा नमस्कार। नमस्कार। काफी दिनों बाद मेरा मुंबई और महाराष्ट्र आना हुआ है, वरना मैं भी याद ही कर रही थी, अक्षय और मैं भी बात कर रहे थे कि एक समय ऐसा था कि पूरे महाराष्ट्र की लेंथ एंड ब्रेथ मैंने ट्रैवल करी थी पृथ्वी, और मैंने मिशन विस्तार के समय, और उसी समय आप में से कई लोगों से भी मिलना हुआ था मिशन विस्तार के समय, पर उसके बाद दिल्ली की इलेक्शंस आ गई और दिल्ली की इलेक्शंस के बाद एजुकेशन का काम करना शुरू कर दिया। सो आई थिंक पिछले 3-3.5 साल में शायद जब से मैं दिल्ली गवर्नमेंट में काम कर रही थी, मुझे नहीं लगता कि 3 साल में मैं 1 या 2 बार से बहुत ज्यादा दिल्ली से बाहर गई होंगी। सो इनफैक्ट अभी ये पहले कुछ ट्रिप्स में से ही मेरा मुंबई का ट्रिप है, सो इट्स वेरी नाइस टू बी बैक हियर, क्योंकि
मुंबई के वॉलंटियर्स, इनफैक्ट महाराष्ट्र के, बट स्पेसिफिकली मुंबई के वॉलंटियर्स ने शुरू से ही, जब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रहा है, बहुत हाई एनर्जी वॉलंटियर्स रहे हैं. सो आई एम ग्लैड टू सी कि इतने समय के बाद भी वो एनर्जी इस कमरे में फील हो रही है. और जैसा कुमत ने कहा, मुंबई के वॉलंटियर्स ने ना सिर्फ मुंबई में, ना सिर्फ महाराष्ट्र में, दिल्ली में भी जो 2013 का इलेक्शन, जो 2015 का इलेक्शन रहा है, दोनों इलेक्शंस में मुंबई के वॉलंटियर्स ने एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है. बहुत भारी मात्रा में वॉलंटियर्स आए, दिल्ली में रुके, नॉट जस्ट दिल्ली में रुके, मुझे तो याद है कि जब आई थिंक 13 के इलेक्शन में मुंबई से जो दिल्ली ट्रेन जा रही होती थी, लोग स्टेशन में खड़े होके वहां पे पर्चे बांटते थे कि आप दिल्ली में, दिल्ली जा रहे हो, उस पे अरविंद जी की फोटो, उस पे झाड़ू का निशान, कि आप दिल्ली वाले हो तो वहां पे जाके आम आदमी पार्टी को वोट देना. इनफैक्ट जो हमारी पार्टी खड़ी हुई, आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, और जहां पे आज हम पहुंचे हैं, वो अपने वॉलंटियर्स के दम पर ही पहुंचे. बिकॉज जिस सब कुछ के बेसिस पे कन्वेंशनल पॉलिटिक्स करी जाती थी, हमारे पास उसमें से कुछ भी नहीं था. इनफैक्ट अब तो फिर भी हम एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जब हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद पार्टी बनाई थी, तो ये भी सच्चाई है कि लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे. लोग मजाक उड़ाया करते थे और हमें देख के कहते थे कि ये लोग पॉलिटिक्स करेंगे. और शायद वो इसलिए भी मजाक उड़ाते थे क्योंकि जिन जिन चीजों से पॉलिटिक्स की जाती है, जिन तरीकों से देश में पॉलिटिक्स की जाती है, उसमें से कुछ भी हमारे पास नहीं था. पॉलिटिक्स के लिए हमारे देश में पैसों की जरूरत होती है, और हमारे पास पैसे नहीं थे तब, अब भी नहीं है. मतलब पैसों की हमें परपेचुअल कमी रहती है. तब भी जब हम दिल्ली में कोई रैली करते थे, कोई प्रोग्राम करते थे, तो एक बड़ी सी चंदा फैलाते थे कि कोई इसमें डोनेशन दे दीजिए. आज भी हम अगले ही हफ्ते से दिल्ली में एक बहुत बड़ा क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू कर रहे हैं कि किसी ने 100 रुपए देने हैं, किसी ने 200 रुपए देने हैं, वो लोग डोनेट करें. इस देश में पॉलिटिक्स में मसल पावर बहुत जरूरी होती है. उस मसल पावर के बिना कोई पॉलिटिक्स ना लड़ता है, पॉलिटिक्स ना इलेक्शंस लड़ता है. जीतता तो बिल्कुल नहीं था, हमारे पास वो भी नहीं था. हम लोग थे काफी सिंपल से, कोई अपनी नौकरी छोड़ के आया हुआ है, कोई बिजनेस छोड़ के आया हुआ है, कोई हाउसवाइफ है. लोगों ने शायद ऐसे लोग पॉलिटिक्स में कभी देखे नहीं थे. एंड उसके अलावा अगर आप देखिए पॉलिटिक्स कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, पैसे बांटने, दारू बांटने के आधार पे होती रही है, और इनमें से कोई भी चीज हमारे पास नहीं थी. तो अगर ये कुछ ना होते हुए हम बिल्कुल जीरो से एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर पाए, जिसने पहली बार 2013 में दिल्ली का इलेक्शन लड़ा, 28 सीट लेके आए, और उसके बाद 2015 में फिर से इलेक्शन लड़ा, और शायद इस देश के इतिहास में सबसे बड़ी मेजॉरिटी हम लेके आए, वो हम सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि हमारी पार्टी के ऐसे एनर्जेटिक और भी जान देने वाले वॉलंटियर्स थे. ये मतलब इट इज नॉट एन ओवर स्टेटमेंट टू से कि ये पार्टी हमारे वॉलंटियर्स के खून पसीने पे खड़ी हुई है. और सबने अपना समय दिया, किसी ने अपनी नौकरी छोड़ी, किसी ने अपना बिजनेस ठप कर लिया. शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर होगा जिसको उसके घर वाले गाली नहीं देते. शायद सारे के सारे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को अपने घर में रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही है कि सारी दुनिया का बीड़ा तुमने ही उठा रखा है, सब कुछ तुम्हें ठीक करना है. लेकिन इस सब होने के बावजूद आज भी हमारी पार्टी में ऐसे लोग टिके हुए हैं, तो वो दिखाता है कि शायद ये सपना हम सबसे बड़ा है, कि ये सपना शायद हम सबसे और हमारी इंडिविजुअल परिस्थितियों से बड़ा है कि कुछ देश में बदलना चाहिए. और इस बदलने के लिए ही हम लोग आए भी थे, चाहे अपनी नौकरियां छोड़ के, अपने बिजनेसेस छोड़ के. और 2015 के इलेक्शन ने पूरे देश को दिखाया कि एक अलग प्रकार की पॉलिटिक्स संभव हो सकती है. और इसी वजह से, शायद क्योंकि एक अलग प्रकार की पॉलिटिक्स संभव थी,
ना सिर्फ हम इलेक्शन लड़ सकते थे, हमने देश के इतिहास में सबसे भारी मार्जिन से इलेक्शन जीत के दिखाया, तो शायद इसी से सामने वालों के थोड़े सिंहासन हिल गए। क्योंकि अगर देश की जनता को पता चल जाएगा कि ईमानदारी से राजनीति संभव है, कि बिना चोरी की राजनीति संभव है, कि अच्छी गवर्नेंस डिलीवर करके राजनीति संभव है, तो बाकी पार्टीज की तो दुकानें ही बंद हो जाएंगी सूनर और लेटर। एंड आई थिंक यही कारण था कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, आई थिंक पहले दिन से ही इसी वजह से हर संभव कोशिश करी गई कि हमारे सरकार को काम नहीं करने दिया जाए। और मैं तो मानती हूं कि जब कभी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, तब लोग अचंभा करेंगे कि इतनी विपरीत परिस्थिति में, इतनी पर्सिक्यूशन के बाद कोई सरकार कैसे चल सकती थी। और ये पर्सिक्यूशन शायद पहले दिन से ही शुरू हो गया था, जब से सरकार बनी उसी के कुछ ही महीने बाद से, क्योंकि हम एक एंटी करप्शन मूवमेंट से निकले हुए पार्टी थी, तो हमने जो दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच थी, जो एसीबी थी, उसको यूज करके करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ मूव करना शुरू किया, ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरीज की, उनको सस्पेंड किया, उनके खिलाफ एफआईआर फाइल किए। एंड आई थिंक पहले दो या तीन महीने में ही 300-400 ऑफिसर्स के खिलाफ दिल्ली सरकार में एक्शन हो चुका था। तो ऑब्वियसली कौन चाहेगा कि हमारी चोरी पकड़ी जाए। तो आई डोंट नो अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, ये तो आपको पता है कि एसीबी हमारे हाथ से ले ली गई, पर हमारी एसीबी जो हम दिल्ली सरकार के हाथ से ले ली गई, वो 1993 में जब से दिल्ली सरकार पहली बार बनी थी, तब से वो एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास था। और अप्रैल 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने CRPF भेज के, पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के एसीबी को टेक ओवर किया था। ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट को टेक ओवर किया पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के। इतना डर गए थे वो हमसे, हम फिर भी नहीं रुके। हमने जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज के प्रोसीजर्स थे, ऑफिसर्स को सस्पेंड करने के प्रोसीजर्स थे, एक सरकारी डिपार्टमेंट में एक विजिलेंस इंक्वायरी होती है, उसको यूज करके, या अगर हमें पता चला कि कोई ऑफिसर करप्ट है तो हमने उसे दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया, उसको यूज करके हम करप्शन के खिलाफ मूव करते रहे। उन लोगों को वो भी नहीं पचा। मई 2015 में एक सर्विसेज डिपार्टमेंट होता है, पहले तो किसी को भी नहीं पता था सर्विसेज क्या होता है, अब हमारी सरकार की वजह से सबका इतना एजुकेशन हो गया है कि अब सब जानते हैं कि सरकार में सर्विसेज डिपार्टमेंट क्या होता है। सर्विसेज डिपार्टमेंट को मई 2015 में एक MHA की नोटिफिकेशन द्वारा, जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कह भी दिया है क्लियरली कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, उसको दिल्ली सरकार के हाथ से ले लिया गया। कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई। जिस तरह से पिछले 3.5 साल में हमारे इतने सारे MLAs के खिलाफ केसेस हुए हैं, ये भी शायद भारत के इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ है। हमारे एक MLA को अरेस्ट करने के लिए ऑन अ चार्ज कि उसके ड्राइवर ने किसी के साथ मार पिटाई की थी, जो हमारे मटियाला के MLA है गुलाब सिंह, उन पर भी नहीं था चार्ज, उनके ड्राइवर पर था केस। उनको अरेस्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस बाय एयर दिल्ली से अहमदाबाद गई और उनको वहां से अरेस्ट करके लेके आई। हमारे MLA को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में से उठा के ले जाते हैं, रात को उनके घर पे रेड डाल के उठा के लेके जाते हैं। ऐसा पर्सिक्यूशन शायद इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा। फैसिज्म, बिल्कुल बिल्कुल फैसिज्म है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके खिलाफ जो केसेस होने चाहिए उन्हें फास्ट ट्रैक करना चाहिए, तो पूरे भारत में सिर्फ एक ही स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किए, और वो आप गेस कर सकते हैं क्या है, दिल्ली। उन्होंने सोचा कि फास्ट ट्रैक केसेस करेंगे तो इनके कोई ना कोई MLA तो जरूर अंदर जाएंगे।
बट अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की वजह से हर हफ्ते अब खबर आती है कि अभी एक एमएलए के खिलाफ केस खत्म हो गया, दूसरे एमएलए के खिलाफ केस खत्म हो गया। आज के दिन में 28 में से 21 केसेस ड्रॉप कर दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं, क्योंकि उसमें कोई भी बेसिस नहीं निकला जिसपे चार्जशीट फाइल हो सकती है। और केस पर केस में जजेस ने ये कहा कि बहुत फ्रिवलस चार्जेस हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस पर टिप्पणी भी की। बट ऑफकोर्स जिस दिन एमएलए अरेस्ट होते हैं तो वो फ्रंट पेज न्यूज होती है, जिस दिन केस खत्म होता है वो तफरी पेज का आठवां कॉलम का बॉटम सेक्शन होता है। तो वो तो दिल्ली में होता है, यहां तक तो खबर आती भी नहीं है। और तो इस प्रकार की प्रोसिक्यूशन शायद आज तक किसी भी सरकार ने नहीं देखी। लेकिन इतनी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भी जब हम एक ऐसी सरकार चला रहे थे जहां पे ऑफिसर्स पे वर्चुअली बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था हमारा, मतलब आप सोचिए ना आप ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं, ना आप ऑफिसर पे एक्शन ले सकते हैं, ना आप उसका डिपार्टमेंट बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों से आपको काम करवाना है। एक बार इस इशू पे आई रिमेम्बर असेंबली में जो हमारे एमएलए ना सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कहा था ये ऐसी बात है कि आप एक गाड़ी में बैठ गए हो, ड्राइवर किसी और का है, तो आप गाड़ी में बैठते हो और ड्राइवर को कहते हो कि जी मुझे गिरडर किला से चलना है, मुझे कुतुब मीनार जाना है, और वो लेके चला जाता है आपको लाल किला। फिर आप लाल किला पहुंच जाते हो, कहते नहीं नहीं मुझे कुतुब मीनार पहुंचाना है, तो हाँ लेके जा रहा हूँ सर। फिर वो लाल किले से लेके चला जाता है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर आप कहते नहीं नहीं मुझे कुतुब मीनार जाना है, कहते हाँ मैं लेके जा रहा हूँ, फिर वो चला जाता है आपको लेके राजौरी गार्डन। So, उसी सिचुएशन में हमारी दिल्ली सरकार चल रही है कि जो गाड़ी चला रहा है, जिसको आपके डायरेक्शंस फॉलो करने हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो आपकी बात सुन ही नहीं रहे। लेकिन आप देखिए इतनी मुश्किल परिस्थितियां होने के बावजूद, इतना एमएलएस पे केसेस होने के बावजूद, चाहे हमारे 20 एमएलएस को डिस्क्वालिफाई करने का प्रयास हो, चाहे जो ऑफिसर्स हमारे साथ काम कर रहे हो किसी को अंडमान निकोबार भेज देते हैं, किसी को लक्षद्वीप भेज देते हैं, इस सब के बावजूद दिल्ली सरकार ने पिछले 3.5 साल में जो काम करके दिखाए हैं शायद भारत के इतिहास में किसी भी राज्य सरकार ने नहीं किया। अभी कल परसों ही पेपर में एक सर्वे आया था इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को लेकर, और वो आप लोगों के लिए शायद और भी ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि उसमें ये बताया कि देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं है तो वो दिल्ली, और सबसे महंगी है तो महाराष्ट्र। आप लोग तो यहाँ के मुंबई के रहने वाले हैं, मैं तो अपनी सारी जिंदगी दिल्ली में बिताई है। दिल्ली वालों को ये पता होता था, दो चीजें दिल्ली वालों को पता होती थी, एक ये पता होता था कि हर 6 महीने के बाद बिजली के दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं, दूसरी चीज ये पता होती थी कि गर्मियों में अक्सर आपको रात कभी छत पे बितानी है, कभी बालकनी पे बितानी है, कभी सड़क पे बितानी है। ये फैक्ट शायद बॉम्बे वालों को एक्सपीरियंस नहीं है इसका बहुत, लेकिन दिल्ली में गर्मियों की रातें अक्सर हमने बचपन से ही कभी गार्डन में, कभी बालकनी में भी, कभी छत में बिताई है, क्योंकि दिल्ली में बहुत बिजली जाती थी। आज 3.5 साल बाद जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आज दिल्ली में ना सिर्फ सबसे सस्ती बिजली मिलती है, बट 3.5 साल से एक भी बार बिजली के दाम नहीं बढ़े हैं। आज जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है दिल्ली में, ये जो लोड शेडिंग है, बिजली जाना है, अब ये थिंग ऑफ द पास्ट हो गया है। अब जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जो पिछले 1-2 साल में आए हैं, उन्हें पता भी नहीं है ऐसी दिल्ली होती थी जहां पे आप रात रात भर सड़क पे बाहर घूम रहे होते थे और हैंड फैन लेके उसे चला रहे होते थे, क्योंकि अब दिल्ली में बिजली जाती नहीं है। सो नॉट ओनली कि प्राइसेस को हमने लो रखा है, हमने सप्लाई भी इंक्रीज की है और दाम बढ़ने भी नहीं दिए। उसी तरह से आप पानी की वाटर सप्लाई का भी इशू देखिए, दिल्ली में बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज है जिनके पास कभी पानी आया ही नहीं है। शीला दीक्षित जी की 15 साल की सरकार में 40 नई कॉलोनियों में पानी पहुंचा होगा,
15 साल में 40 कॉलेज और अब जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है दिल्ली में 3.5 साल में हमने 300 से ज्यादा कॉलोनीज में पानी पहुंचा दिया। बट आई थिंक हमारी अगर हम देखें जो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स रही है बिजली और पानी के बाद, हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में रही है। और एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में जैसे अभी अक्षय कह रहा था ना कि जब हम शुरू में आए थे तो हम कहते थे कि जी हमें इलेक्ट करो, हम ईमानदार हैं। लेकिन एक ईमानदार सरकार करेगी क्या, ये शायद हम तब भी नहीं बता पाते थे। हम कहते जी हम सब कुछ ठीक करेंगे। जिस जिसने कैंपेन भी किया होगा उससे पता होगा कि हम ये कहते हैं ये भी ठीक कर देंगे, हम वो भी ठीक कर देंगे। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, मैं तो 2013 के इलेक्शन में भी 2015 के इलेक्शन में भी मैनिफेस्टो बनाने में इन्वॉल्व थी। तो हमने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा कर देंगे। लेकिन अगर कोई हमसे पूछ लेता कि हम कैसे करेंगे तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। जब 2015 में सरकार बनी और हमने सरकारी स्कूलों में जाना शुरू किया तो हमें बेसिकली एक माइनर हार्ट अटैक आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि स्कूलों की हालत इतनी खराब थी कि हम शायद सोच भी नहीं सकते थे। और यही है दिल्ली का हाल, जो मुंबई का भी हाल है कि जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते, जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं क्योंकि उन्होंने मान लिया है और शायद राइटफुली सो कि जो बच्चा सरकारी स्कूल में चला गया उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो हमारे देश के ये हालात है कि हम एक बच्चे की पूरी लाइफ डिसाइड कर लेते हैं 3 साल की उम्र पे जब उसका स्कूल में एडमिशन होता है। अगर उनके पेरेंट्स के पास पैसे हैं और वो किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस दे सकते हैं तो उस बच्चे का पूरा लाइफ हिस्ट्री, लाइफ फ्यूचर नर्सरी से लेके 12वीं तक, फिर IIT तक, फिर बहुत सारे जीरो 3 साल की उम्र पे तय हो जाता है। नहीं है आपके बच्चों का, आप बस स्कूल भेज रहे हो, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। और जब हमने स्कूलों में जाना शुरू किया, आई एम श्योर जो सरकारी स्कूल बॉम्बे में भी है, जो BMC वगैरह के स्कूल है उनका भी यही हाल होगा। जब हम स्कूल में शुरू जाते थे और मनीष जी तो अक्सर एज एन एजुकेशन मिनिस्टर आई थिंक हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी स्कूल में जाते हैं वो इंस्पेक्शन के लिए, स्टूडेंट से मिलने के लिए, टीचर से मिलने के लिए। जब हम शुरू शुरू में स्कूल्स में जाते थे तो स्कूल्स का हाल बिल्कुल कूड़ेदान का होता था। आप स्कूल के गेट के अंदर घुसिए, सबसे पहले गेट से टॉयलेट की बदबू आती थी और कमरों की इतनी कमी होती थी कि जिस टॉयलेट की बदबू 50 मीटर दूर आ रही है ना, उस टॉयलेट के बाहर कॉरिडोर में क्लास भी चल रही होती थी। बच्चे अक्सर फर्श पे बैठे होते थे, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, ब्लैक बोर्ड्स टूटे हुए होते थे, पंखे टूटे हुए होते थे, टीचर्स अक्सर क्लास से बाहर होते थे। ऑब्वियसली अगर टीचर्स बाहर है तो बच्चे भी बाहर ही होते थे। और खासकर के जो आउटर दिल्ली का इलाका है वहां पे जो स्कूल्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन के टाइमिंग के हिसाब से नहीं चलते थे, वो ट्रेन के टाइम के हिसाब से चलते थे। तो अगर हरियाणा और यूपी से लोग आते थे टीचर्स ट्रेन से, तो जिस टाइम ट्रेन आती थी टीचर्स आते थे, जिस टाइम ट्रेन जाती थी टीचर्स जाते थे। तो आपका बिल्कुल ट्रेन कैंसिल, स्कूल कैंसिल। और एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी ऑर्डर निकाल ले कि स्कूल कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे खत्म होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। खासकर के जैसे सेकेंड शिफ्ट में बॉयज के स्कूल चलते हैं 1 बजे से 6 बजे तक चलते थे, अक्सर सारे स्कूल 4-4:30 बजे तक वहां पे कोई भी टीचर नहीं होता था, वहां पे कोई भी बच्चा नहीं होता था। देखिए जो बच्चा ऐसे स्कूल में आता है, फ्रॉम द मोमेंट वो बच्चा उस स्कूल में घुसता है उसके लिए ये मैसेज बहुत क्लियर है। और वो मैसेज ये है कि भाई तुम एक सेकेंड क्लास सिटीजन हो, तुम्हारे लिए ये टूटा फूटा स्कूल है क्योंकि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है।
भविष्य तो सिर्फ उन बच्चों का है जो चमकते हुए स्कूलों में जाते हैं, जिनकी अच्छी बसेस है, जिनकी अच्छी यूनिफॉर्म है। सो ये मैसेज इज क्लियर टू दीज चिल्ड्रन फ्रॉम द फर्स्ट डे कि भाई हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन आज आप देखिए, सिर्फ 3.5 साल हुए हैं जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वही टीचर है, वही बच्चे हैं और वही स्कूल है। लेकिन सिर्फ 3 साल के एफर्ट से आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। पिछले 2 साल से देखिए, आईआईटी जेईई एक तरह से बेंचमार्क होता है, आईआईटी जेईई का एग्जाम, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का, स्टैंडर्ड्स का। बच्चे लाखों रुपए की कोचिंग करते हैं 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आईआईटी जेईई के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। पिछले 2 साल से 300 से ज्यादा बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों से आईआईटी जेईई का एग्जाम क्लियर करते हैं। ये बच्चे कौन है? ये बच्चे वो है जो एक तरह से दिल्ली के पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं। इस बार का गवर्नमेंट स्कूल टॉपर एंड वन ऑफ द स्टूडेंट्स हू क्लियर द आईआईटी जेईई एग्जाम एक लड़का था जिसका नाम है प्रिंस कुमार। उसके 500 में से 495 मार्क्स आए थे। उसके पिताजी डीटीसी के बस में कंडक्टर है। उनका पूरा परिवार एक 12x12 के कमरे में, एक 12x12 साइज के एक कमरे के घर में रहता है। और उस बच्चे ने ये बताया कि क्योंकि उसकी बहन शायद उससे 1-2 साल बड़ी थी, तो उनके फादर ने अपने पास घर के पास ही एक छोटा सा 3x4 का एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया हुआ था जहां पे बच्चे पढ़ सकते हैं। तो वो ये बता रहा था कि मेरी बहन और मैं ऑल्टरनेट करके पढ़ते थे क्योंकि वो कमरा इतना छोटा था कि हम दोनों लोग एक साथ उसमें बैठ नहीं सकते थे। और आज आप सोचिए कि क्योंकि हम अच्छी शिक्षा दे पाए हैं, ये लड़का जो एक 12x12 के घर में रहता है, बड़ा हुआ है, अब आईआईटी में पढ़ के इंजीनियर बनेगा। और ये शायद पावर है, जब हम एक ईमानदार सरकार की बात करते हैं तो वो ईमानदार सरकार क्या करेगी? वो ईमानदार सरकार दिल्ली शहर में, जहां पे हमने शुरुआत की है, और आगे चल के मुझे उम्मीद है पूरे देश में एक तरह से यही इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर आप शुरू से ही बच्चों को 3 साल की उम्र से अलग कर दो कि भाई तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, और एक बच्चा है जिसे सब कुछ मिलेगा, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो स्कूल और कॉलेज खत्म करे तो वो एक ही प्लेटफॉर्म पे कम्पीट करे, और वो नहीं कर सकते। अगर आप हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, आप हर बच्चे को अच्छी और हर सिटीजन को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, तो फिर सरकारों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक ही पीढ़ी में बच्चे और परिवार अपने आप को गरीबी से खुद ब खुद बाहर निकाल लेंगे। और वही करने का हमारा प्रयास रहा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। और देखिए, हमने बहुत चीजें करी हैं जब से हमने रिफॉर्म शुरू किए हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने करी थी, हमने दिल्ली के स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इम्प्रूव किया है। आज अगर आप दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल को दूर से देखें, ये मेरे साथ ही हुआ था कुछ महीने पहले, मैं फरीदाबाद जा रही थी। फरीदाबाद दिल्ली के जस्ट बाहर है, हरियाणा में, और एक सरिता विहार करके एरिया से हमें किसी को पिकअप करना था और आगे फरीदाबाद जाना था। तो गाड़ी आई सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के बगल में, और वहां पे बड़ी सी बड़ी फैंसी बिल्डिंग दिख रही थी जो आईआईटी दिल्ली के कैंपस जैसी लग रही थी। तो मैंने किसी से पूछा, नहीं अक्षय था मेरे साथ, तो मैंने अक्षय से पूछा है क्या बिल्डिंग है, बड़ी अच्छी है। कहता नहीं, हमारा ही सरकारी स्कूल है। आज अगर आप हमारे सरकारी स्कूल के बिल्डिंग देखिए, हमारे सरकारी स्कूलों के डेस्क देखिए, मैं तो खास डेस्क से मैं तो खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब मैं दिल्ली के बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन जितने अच्छे डेस्क आज सरकारी स्कूलों में है, उतने अच्छे डेस्क मेरे प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होते हैं। आज गवर्नमेंट स्कूल्स में इतना हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे सिंथेटिक ट्रैक्स हो, चाहे हॉकी के ग्राउंड्स हो,
जब दिल्ली में हमने एक वेस्ट दिल्ली में एक भूमलहेड़ा करके गांव है वहां पे एक स्कूल में ये एस्ट्रोटर्फ वाला ग्राउंड जब पहली बार इनॉग्रेट हुआ था तो हमारे देश के एक बहुत वेल नोन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे एक बात बताई थी वो ये कह रहे थे कि इंडिया एक समय बहुत अच्छा परफॉर्म करता था इंटरनेशनल लेकिन वन ऑफ द रीजन जिसपे गेम की स्पीड बहुत फास्ट होती है लेकिन हमारे देश भर में हॉकी के ग्राउंड ज्यादातर ग्रास के हैं पूरे देश में 8-10 ऐसे ग्राउंड होंगे जहां पे एस्ट्रोटर्फ है तो कह रहे थे कि जब हमारे जो बच्चे होते हैं ग्रास पे खेलते हुए जब आगे जाते हैं तो वो इंटरनेशनल गेम की स्पीड से कीप अप नहीं कर पाते तो कह रहे थे कि आप लोगों को ये पता चले आपके टेन्योर में ये पता चले या ना चले लेकिन जो आप ये एस्ट्रोटर्फ वाला ग्राउंड बना रहे हो ना कहते आपके इस स्कूल से 10 साल में इतने सारे इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स निकल के आए हुए हुआ था कि छुट्टियों में स्विमिंग करना सीखे और मुझे अभी भी याद है कि मैं और मेरी बहन हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहते थे आधा शहर पार करके सीपी जाते थे वहां पे YMCA में एक पूल होता था वहां पे स्विमिंग सीखने के लिए आज सरकारी स्कूल के बच्चे जो शायद कभी एक स्विमिंग पूल की फीस और उसकी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते अपने स्कूल में फ्री में स्विमिंग सीख रहे हैं कम से कम 4 ऐसे स्कूल्स हैं हमारे यहाँ स्विमिंग पूल्स और कई स्कूल्स में बने हैं 4 ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स हैं जहां पे बच्चे ट्रेन होके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके कम्पीट कर सकते हैं देखिए कोई ऐसा सोच नहीं सकता था 3.5 साल पहले कि इतने छोटे समय में इतना ज्यादा बदलाव हो सकता है और आई कुड गो ऑन फॉर आवर्स अभी तो मैंने 2-3 चीजें बताई हैं काफी लगभग डिटेल में ये बात शेयर कर सकते हैं कि हमने टीचर्स की ट्रेनिंग में क्या किया हमने बुक्स और मटेरियल किस तरह से किया हमने किस तरह से पेरेंट टीचर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की हमने किस तरह से अभी हैप्पीनेस करिकुलम को शुरू किया है बट इस सब में समझने की बात यह है कि ये जो इतना सारा चेंज हुआ है ये कैसे संभव हो गया और इतने छोटे समय में कैसे संभव हो गया इनफैक्ट मैं तो खुद मुझे कई बार अचंभा होता है कि जो हाल था स्कूलों का 3.5 साल पहले और आज जो हाल है इतनी जल्दी इतना सारा चेंज कैसे आ गया देखिए ये चेंज सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ पाया क्योंकि हमारी एक ईमानदार सरकार थी ये चेंज सिर्फ इसलिए आ पाया क्योंकि हम जब हमने चुनाव लड़ा था तो हमने एक ईमानदारी से वॉलंटियर्स के दम पे चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ा था अगर आप देखिए कि जो सारे तकरीबन सारे पॉलिटिशियंस हैं दिल्ली में सबके अपने प्राइवेट स्कूल्स हैं सबके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिसके अपने प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल चलते हैं वो ये क्यों चाहेंगे कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल ठीक से चले अगर सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल ठीक से चल जाएंगे तो उनकी तो दुकान वहीं पे बंद हो जाएगी जिसके स्कूल चलते नहीं है वो इन स्कूल वालों से पैसे लेते हैं क्योंकि हमने एक ईमानदार पैसे से चुनाव लड़ा क्योंकि हमने वॉलंटियर्स के दम पे चुनाव लड़ा इसलिए हम आज 3.5 साल बाद ये चेंज सरकार में लेके आ पाए दूसरी चीज जो हमने सीखी आई थिंक इन दिस पीरियड ऑफ टाइम जब हम सरकार में रहे हैं अक्सर हम सुना करते थे कि सरकारें कहती थी जब कोई पॉलिसीज वगैरह की बात होती है कि जी इस काम के लिए हमारे पास पैसे नहीं है उस काम के लिए हमारे पास पैसे नहीं है हमारी सरकार को वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की जरूरत है इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार में आप 3.5 साल बाद काम करने के बाद एक चीज जो मुझे समझ में आई है किसी भी सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है अगर कोई कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो वो झूठ बोल रहे हैं सरकारों के पास इतना पैसा है कि वो उसे खर्च नहीं कर सकते हर साल हमारे पास हम जो अपना बजट बनाते हैं हम सिर्फ उसका 80% खर्च कर पाते हैं जितना पैसा हमारी सरकार के पास है हम वो खर्च भी नहीं कर पाते नॉट जस्ट दिस जो एक
सबसे इंटरेस्टिंग चीज हमें समझ में आई है, जब 2015 में हमने अपना पहला बजट पेश किया था, बजट बेसिकली हमारी टैक्स रेवेन्यू के आधार पे होता है कि जितनी हमारी स्टेट टैक्सेस आते हैं उतना तकरीबन हमारा बजट साइज होता है। जब हमने पहला बजट पेश किया था तो तकरीबन दिल्ली की टोटल रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन 30,000 करोड़ होता था। विद इन जस्ट 3 ईयर्स, सिर्फ 3.5 साल के, ये 30,000 करोड़ से 30,000 करोड़ से बढ़ के इस साल 53,000 करोड़ हो गया। और ये हमने किया है विदाउट इंक्रीजिंग एनी टैक्सेस। अब तो फिर भी जीएसटी आ गया है जो सेंट्रली अब टैक्स रेट्स तय होते हैं, बट बिफोर जीएसटी हर साल हर बजट में हम सिर्फ टैक्सेस कम करते रहते थे, हम टैक्सेस कम कर रहे थे और रेवेन्यू बढ़ रहा था। और देखिए ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि जो टैक्स का पैसा था ना वो बेसिकली कभी गवर्नमेंट की ट्रेजरी तक पहुंचता ही नहीं था, उससे पहले ही वो नेताओं की जेब में चला जाता था, उससे पहले ही वो पार्टीज की जेब में चला जाता था। सो वो पैसा जो हमारा पैसा था, जो हमारे टैक्स का पैसा था, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी तक पहुंचता ही नहीं था। सो अगर ईमानदारी से सरकार चलती है तो किसी भी सरकार के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। तो कोई सरकार अगर ये हमें कहती है ना कि जो दिल्ली के पास तो बहुत पैसे हैं, इसलिए आप अपने स्कूल ठीक कर सकते हो, दिल्ली की सरकार के पास ऐसा नहीं है बहुत पैसे हैं, दिल्ली की सरकार के पास ईमानदारी है और उस वजह से हमारे पास पैसे हैं, और उस वजह से चाहे फिर बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, वो हम ठीक कर पाएंगे। तो देखिए ये तो आज तक की हमारी कहानी है जहां तक हम पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी बहुत लंबी दूरी को हमें तय करना है। और मुझे कई बार ये लगता है कि हमारी जर्नी ओवर टाइम मोर एंड मोर डिफिकल्टी होती जाती है। पहले हम सोचते थे जब हम इलेक्शन लड़ने जाते थे कि एक बार इस सरकार बन जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा, तब हम सब ठीक कर लेंगे। अभी सारी मुश्किलें झेल लीजिए, सरकार बन जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सरकार में होने के बाद अब ये लगता है कि जितनी मुश्किलें उससे पहले थी उससे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई एक बारी जब हम सरकार के अंदर आ गए। लेकिन इस पॉलिटिक्स को एक लंबे समय तक सस्टेन करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इसलिए चैलेंज है क्योंकि पैसे हमारे पास तब भी नहीं थे, पैसे हमारे पास अब भी नहीं है और ना होंगे। एग्जैक्टली ना होंगे, होंगे भी नहीं। क्यों देता है कोई पार्टी इसको पैसे? इसलिए देते हैं पार्टियों के पैसे कि जब आप इलेक्शन जीत जाओगे तो अब आप हमें इन्वेस्टमेंट में डन करेंगे। बिल्कुल। तो हमारी जिस तरह की पॉलिटिक्स हम करते हैं उसको सस्टेन करना आसान नहीं है। आज भी चंदा इकट्ठा करने के लिए हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी इसके बाद मैं एक फंड रेजिंग डिनर में जा रही हूँ और मैं किसी को कुछ दिन पहले बता रही थी कि मैं एज एन एजुकेशन एडवाइजर काम कर रही थी अपने साथ से। हर साल हमारी सरकार 10,000 करोड़ रुपया एजुकेशन पे खर्च कर रही थी। अगर हमने सिर्फ उसका 1% पैसा दिखाया होता, 1% कमीशन खाया होता, तो 100 करोड़ रुपया हर साल हमारे पास होता, तो 3 साल में 350-350 करोड़ रुपए। अब फिर मैं तो क्या हमारी पार्टी 10 साल तक उस पर इलेक्शन लड़ सकती थी। लेकिन आज भी हम 10,000 रुपए के चेक के लिए, 25,000 रुपए के चेक के लिए मतलब जगह जगह जाते हैं, पूछते हैं, मांगते हैं। और वो बार बार वो डोनेशन इकट्ठा करना, बार बार वो वॉलंटियर्स को इकट्ठा करना आसान काम नहीं है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे आज वॉलंटियर्स बैठे हैं तो मैं ये बात जरूर शेयर करना चाह रही थी कि देखिए कि इस एनर्जी के बिना, इस वॉलंटियर स्ट्रेंथ के बिना हम ना तो यहां तक पहुंच सकते थे और ना ही यहां से आगे जा सकते हैं। कि यही एनर्जी है, इसी के आधार पे हम एक नई राजनीति खड़ी कर सकते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि चाहे जितनी भी हमारी परिस्थितियां मुश्किल हो, चाहे जितनी बार भी हमें, आई एम श्योर
जो सारे वॉलंटियर्स हैं, हर बार ये मन में सवाल उठता है, पार्टी ने ये क्यों कर दिया, पार्टी ने वो क्यों कर दिया, पार्टी ने ये फलाना डिसीजन क्यों ले लिया। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि पार्टी हर डिसीजन जो लेती है वो सही लेती है, अक्सर इंसान है, इंसान से भी गलती हो सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप देखिए कि क्यों हमारे एमएलए को अरेस्ट करते हैं, क्यों हमारी सरकार को काम करने से रोकते हैं, क्यों हमसे सर्विसेज और एसीबी छीनते हैं, क्यों हमारे सुप्रीम कोर्ट के केस को जो 3 महीने में खत्म हो सकता था 1.5 साल तक चला के रखते हैं, क्योंकि वो हमारी ईमानदारी से डरते हैं। अगर इस देश की राजनीति को हमें बदलना है, अगर हमें लगता है कि इस देश के भविष्य को बदलना है, तो चाहे जितनी भी मुश्किलें हो, चाहे पार्टी में वॉलंटियर करने में हम घर वालों के कितने ताने झेलें, चाहे हम पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी कितने चैलेंजेस फेस करें, ये एक बहुत सिंपल और सच्ची बात है कि अगर कोई भी आज है जो इस सिस्टम को बदल सकता है, जो इस राजनीति को बदल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है। हमें बहुत लंबी और मुश्किल जर्नी तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत लंबी और मुश्किल जर्नी बाकी है। तो ठीक बात है, अभी दिल्ली दूर है, बिल्कुल दूर है। अभी तो देखिए, इतने बड़े देश के एक छोटे से राज्य में एक आधी सरकार चलाते हैं हम। अभी तो हमें पूरी देश की राजनीति को बदलना है। हम इतनी सी सरकार हिला चलाते हुए हमने इन्हें हिला के रख दिया है। तो इसलिए आगे बढ़ते हुए भी हमारे वॉलंटियर्स ने शुरू से ही पूरे देश भर से, और खास करके जैसे मैंने कहा, मुंबई हमेशा से एक बार हाई एनर्जी हमारी वॉलंटियर टीम रही है। जैसे हम इतनी एनर्जी के साथ, इतनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं, हम सबको मिलके एक साथ अभी बहुत आगे बहुत दूर जाना है। तो इसके लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो पूरे महाराष्ट्र में हो, हम सबको मिलके इस देश की राजनीति को बदलना है। जय हिंद, जय हिंद। अतिशी मैम ने हर एक लाइन में हमारे और आपके हर एक सवाल का जवाब दे दिया है। हर एक वॉलेंटियर के मन में उठने वाला सवाल, जो आने वाला है या जो आने वाला होगा, मेरे ख्याल से हमारे आधे से ज्यादा सवालों के जवाब दे दिए हैं। तीन सवाल आ जाइए। अभी शायद थोड़ा समय आ गया, मैंने पूछा नीतिगत कोई बदलाव हुआ है क्या, उस पर अलग से अभी बात करेंगे। yes. दूसरा सवाल, मेरा सवाल ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में दिल्ली सरकार काफी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन चूंकि मेरा सीट्स वगैरह आती है और का भी यानी शराब का भी उस पर छिड़काव किया जाता है, तो ये बड़ा हेल्थ कंसर्न से ताल्लुक रखता है। तो दिल्ली सरकार इस दिल्ली सरकार जो है इस सिलसिले में अपनी जो नेचुरल जो हमारी पारंपरिक खेती है यानी शेतकरी है वो क्या कहेंगे ऑर्गेनिक खेती की तरफ प्लीज जल्दी से सिर्फ सवाल पूछे क्योंकि उनको 5 मिनट में निकलना भी है। आतिशी मैम, मैंने रेन बसेरे का अभी फोटोज देखे हैं लेटेस्ट, उसमें देखा गया कि अभी भी बेडशीट लगाया गया है जमीन पे, तो बंक बेड्स जो लगाए गए कितने परसेंटेज लगाए गए, तो जो बेडशीट है वो बंक बेड्स में कितने कन्वर्ट हो जाएंगे ताकि ज्यादा लोग उसमें रह सकते हैं। तीसरा और आखिरी सवाल, जिसने बोला नहीं है उसको सिर्फ आप बहुत सवाल ड्राइवर सीट में
वो दूसरा बेटा है फिर भी इन डेस्टिनेशन में लेके जाना इज अ वेरी डिफिकल्ट काम. आपने वो कर लिया है, करके दिखाया है वो क्या स्किल है अतिशि जी. और ये टैक्स वाला मामला क्या है कि वो ट्रेजरी तक पहुंचता नहीं है, बताइए कैसा होता है. बस आखिरी सवाल मैम, दिल्ली में अभी भी ट्रांसपोर्ट लिंक चल रहा है क्या? उसकी अभी तक जानकारी नहीं है. ट्रांसपोर्ट विंग मतलब पार्टी का के? पार्टी का. ये इसलिए पूछा क्योंकि ये यहाँ के ट्रांसपोर्ट विंग में है. देखिए अभी खेती वाले सवाल पर तो हम इसलिए नहीं पहुंचे हैं क्योंकि हम एक शहर में सरकार चलाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन अभी हमें फ्रेंकली एड्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी है. पर ये भी रियलिटी है कि ये एक देश के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर हमारे खाने में ये जहर आएगा तो आप कितनी भी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर लीजिए उतना कम होगा. एंड ये सवाल आई थिंक बहुत ही जल्द सिर्फ दिल्ली में नहीं देश भर में हमें फेस करने की जरूरत है. ये जो रैन बसेरों का क्वेश्चन है, ये एक तो मुझे फ्रेंकली कहना पड़ेगा इसका आंसर मेरे पास नहीं है, बट ये कि कितने बंक बेड्स हैं और कितने हमने चद्दरें जमीन पे बिछाई हुई है. ओवरऑल रैन बसेरों में हमारा प्रयास ये रहा है कि इसकी फैसिलिटीज बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई है. बट ये भी सच्चाई है कि रैन बसेरे जैसी चीज मतलब इसमें वी विल ऑलवेज फॉल शॉर्ट. जितनी भी हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करें और होमलेस लोग देश भर से दिल्ली आते भी रहेंगे क्योंकि अभी पता भी चल गया है कि दिल्ली में बहुत अच्छे रैन बसेरे होते हैं. तो ये ऑलवेज एक कैचअप गेम है और इसका आंसर दिल्ली में अच्छे रैन बसेरे देने में नहीं है, पर जो देश भर में हमारी रूरल इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, जिसे छोड़ छोड़ के लोग शहरों में भाग रहे हैं, उसका आंसर एक्चुअली वहां पर है. जो आपका सवाल था ड्राइवर से, मैं ये बात आई ऑफन से बोलती हूँ जब भी पब्लिक फोरम्स पे, तो मैंने ना 3 साल से ज्यादा सेक्रेटेरिएट में काम किया था और शायद इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में कोई नहीं हुआ कि काम करने के बाद दिन भर के बाद एट दी एंड ऑफ द डे ऐसा लगता था ना कि दीवार है. सिस्टम को और ऑफिसर्स को हिलाना लगता था इससे भी ज्यादा मुश्किल है. और मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल है. हमने अपने बहुत सारे टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को विदेश भेजा, तो एक बार ये बात हुई थी कि हमारे 100 प्रिंसिपल्स फिनलैंड जाएंगे. तो ये फाइल एक ऐसा फेस था, आपको पता है हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जब हर फाइल एलजी के पास जाती थी, ये फिनलैंड वाली फाइल 100 प्रिंसिपल्स को फिनलैंड भेजने वाली फाइल मनीष जी और एलजी के बीच में कम से कम 14 बार बैक एंड फोर्थ गई बिफोर उस पर अप्रूवल मिला. उसमें हम क्या मांग रहे थे? हम अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहे थे, हम अपने एमएलएस को तो बाहर भेजने की नहीं बात कर रहे थे. हम ये कह रहे थे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले 100 प्रिंसिपल्स को हम फिनलैंड भेजना चाहते हैं क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम वहां पर है. और ऑलमोस्ट एक वो हो गया था जैसे वो टेनिस की बॉल, टेनिस का मैच होता ना जैसे एड में दिखाते हैं, इधर देखा वो फाइल ऐसे जाती थी, रोज आती थी. वो एक सवाल पूछते थे फिर से वापस भेज देते थे. और एक दिन तो ऐसा हुआ था, यूजली हम शाम को भेजते थे वापस, एक दिन हमने ना दोपहर को भेज दी वापस करीब 3-4 बजे. और उसके बाद हम किसी प्रोग्राम वगैरह में कुछ गए हुए थे, मनीष जी और मैं दोनों गए हुए थे. जब वापस आए तो उनके घर से रुकते हुए जा रहे थे क्योंकि मेरी गाड़ी वहां पे थी और उसी सड़क पे थोड़ा आगे मेरा घर है. तो जो गेट पर उनके घर के गेट पे चौकीदार है उसने बोला कि सर वो फाइल वापस आ गई है जी हाउस से. ये रात के 9:30 बजे थे. रात को 9:30 बजे मनीष जो क्वेश्चन आया था एलजी से इस फाइल पे लिख के, मनीष जी ने 9:30 बजे बैठ के उसका जवाब लिखा और वो फाइल रात को 10 बजे एलजी के घर वापस भेज दी.
अगर तुम नहीं मानोगे तो हम भी नहीं मानेंगे। तो हमने जो हर छोटा छोटा काम करवाया है, लड़ लड़ के करवाया है, अपना सिर दीवार के अगेंस्ट मार मार के करवाया है, तो जो एक काम में जितनी एनर्जी और समय लगना था शायद उससे 10 गुना ज्यादा लगा है। पर फिर भी शायद हमारी शीयर और खास करके अरविंद जी की, मनीष जी की, जो हमारे सारे मिनिस्टर्स हैं, उनकी शीयर विल पावर से चला है। लेकिन एक दूसरी चीज जो एजुकेशन में हमें बहुत हेल्प करी है कि अब हम लोगों को, क्योंकि सर्विसेस हमारे हाथ से चला गया, हम लोगों को तो हायर कर नहीं सकते थे, पर हमें दिल्ली भर से और देश भर से इतने अच्छे अच्छे लोग मिले जिन्होंने प्योरली वॉलंटरी तौर पे हमसे जुड़ के हमारे साथ एजुकेशन में काम किया। हमारे तो फेमस होती थी, एक 6th फ्लोर पे मनीष जी का ऑफिस था, एक हमारी 6th फ्लोर की पूरी टीम फेमस होती थी, जो सारे वॉलंटियर्स थे, किसी को एक पैसे की तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन सुबह 10 बजे से रात के 9-9 बजे तक वो सेक्रेटेरिएट में बैठ के काम करते थे कि जो काम अफसर नहीं कर रहे थे वो हम खुद करेंगे। और इसी की वजह से जो हम कर पाए हैं पिछले 3 सालों में शायद वो हो पाया है। लेकिन ये भी है कि अभी तो हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज बता रहे हैं, मैं एक पूरी लिस्ट भी गिनवा सकती हूँ ऐसे काम है जो हमने शुरू किए, जो हम करना चाहते थे, जो हम इन परिस्थितियों की वजह से नहीं कर पाए। सो बिना एक ओबीडियंट ड्राइवर हुए, मतलब किसी ना किसी तरीके से हमने चलाया है, पर इससे बहुत ज्यादा काम हो सकता था। थैंक यू। और अब मैं यहाँ पे क्लोज करूंगी क्योंकि हमारा अगला प्रोग्राम भी है। मुंबई की तारीफें तो हमने बहुत सुनी है, जो भी दिल्ली से आता है हमारे मुंबई वॉलंटियर लोगों की तारीफ करके जाता है। केजरीवाल जी को हम मुलाकात करने आएंगे। शायद केजरीवाल जी आंसर कर पाए तो उनको करना, मुझे भी करना मुश्किल है। लेकिन ये भी है कि मतलब वो बहुत बिजी भी है, वो सरकार भी चला रहे हैं, वो दिल्ली में और देश भर में पार्टी भी अलग अलग यूनिट्स में चला रहे हैं, पर आई एम श्योर वो जरूर आएंगे। जैसा मैंने कहा कि मुंबई के यूनिट की एनर्जी हमेशा हमारा बूस्टिंग और ज्यादा हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, हाँ, लास्ट वीक वो वैसे आए थे बट आई थिंक उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो इसी वजह से वो वॉलंटियर से नहीं मिल पाए। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी बिफोर आई क्लोज एंड लीव, कि जैसे हमेशा मुंबई के वॉलंटियर्स की दिल्ली में बहुत भूमिका रही है, हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में भी, अब 2019 में भी, हम काफी सारे बॉम्बे के वॉलंटियर्स को दिल्ली में देखेंगे, सो दैट हम देखें देश भर से कितनी सीट्स जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन मैं ये तो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि हमारी दिल्ली में जो परिस्थिति है, अगर हम अच्छे से दिल्ली में इलेक्शन लड़ते हैं तो हम दिल्ली में 7 सीट जीत दीजिए कि केपीआरडी देश के बाकी हिस्सों में मोदी जी की सरकार को कौन हराएगा, कैसे हराएगा, यह भी कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम दिल्ली में तो हम बीजेपी को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। कॉन्फिडेंस को पूरा करने के लिए हमें अपनी पूरी वॉलंटियर स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, तो जिस तरह से बॉम्बे ने, महाराष्ट्र ने हमेशा हमारे एक लार्जर नेशनल पॉलिटिक्स में सपोर्ट किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले इलेक्शंस में भी उसी तरह होगा। थैंक यू।